इट्स माही खान। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं तीन ऐसी बुरी आदतें जिन्हें आज ही आपको खत्म करना चाहिए, जो आपके टाइम को भी खा रही हैं और आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में पीछे कर रही हैं। सबसे पहले एक चीज को आप समझो, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े गोल्स, कोई भी टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता है। सब कुछ होता है आपकी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड। क्यों? क्योंकि आप वही होगे जैसी आपकी आदतें होंगी। फर्क पड़ता है कि आप रोज क्या कर रहे हो। अगर आज आप अपनी आदतों को नहीं बदल रहे हो तो कल कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूं तीन ऐसी बुरी आदतें जिन्हें आज ही आपको छोड़ देना चाहिए। पहली आदत की बात करते हैं। पहली जो बुरी आदत है वो है एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया। यस, आप एक डोपामीन के लूप में फंस चुके हो। आप सुबह उठते हो, अपने फोन को देखते हो, किसी दूसरे की जिंदगी को देखते हो, आपको थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा सा डोपामीन मिलता है, आपको अच्छा फील होता है। पर उसके बाद में जब डोपामीन डिक्रीज होता है तो आपको खालीपन महसूस होता है और फिर आप अपने उसी खालीपन को दूर करने के लिए दोबारा फोन को उठाते हो, दोबारा इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना शुरू करते हो और बेवजह ना जाने कितना सारा टाइम आप सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल करते करते वेस्ट कर देते हो। और बेसिकली ये एक लूप है, आप एक लूप में फंस जाते हो। बार बार आप ना चाहते हुए भी वही काम को दोहरा रहे होते हो। देखो, सोशल मीडिया गलत नहीं है, बट सोशल मीडिया का यूज एक्सेस में गलत है। एक्सेस किसी भी चीज का ज्यादा अगर करोगे तो गलत है। सबसे पहले इस आदत को खत्म करो, ठीक है? अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइमिंग लगाओ, हर एप्लीकेशन पे स्क्रीन टाइम सेट करो। ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर फोकस करो, अपने मेन पढ़ाई पर फोकस करो और बहुत ज्यादा हो तो एक घंटा इंस्टाग्राम के दे दो, एक घंटा यूट्यूब को दे दो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है? मतलब आप हर ऐप पे अपनी स्क्रीन टाइम लगाओ, समझ रहे हो बात को। बात करते हैं दूसरी बैड हैबिट की, जो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। दूसरी जो बैड हैबिट है वो है दे वांट टू लुक रिच। यस, आज ज्यादातर लोगों को अमीर दिखना है। बेसिकली कोई ये नहीं समझना चाहता है कि एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है, एक्चुअल में वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। लोग आज सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं, उसके चक्कर में लोग करते क्या है, महंगे महंगे फोन्स खरीद रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हैं और बहुत सारा अपना पैसा जो है उसको इन्वेस्ट ना करके उसको वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक साल पहले एक आईफोन लिया होगा और आज वो आईफोन का जो प्राइस है वो 1 लाख से कम ही हो गया होगा। मतलब कि आज अगर आप उसे सेकंड हैंड भी सेल करते हो तो वो 1 लाख से कुछ कम में ही बिकेगा, समझ लो मेरी बात को। लेकिन उसी जगह अगर आपने 1 लाख रुपए टाटा मोटर्स के शेयर में इन्वेस्ट करे होते तो वो 18 महीने के बाद वही 1 लाख रुपए 7 लाख रुपए बन गए होते। कहने का मतलब है कि आपको अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर अभी आपको शेयर मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है तो आप एक चीज को समझ लो कि आपको शेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न्स के लिए एक क्वालिटी स्टॉक का होना जरूरी है और एक एक्सपर्ट का होना जरूरी है जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की अच्छी सलाह दे सके। अब शुरुआत करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की, जिसे आप इंडिया की टॉप ब्रोकरेज कंपनी में शामिल और 30 साल पुरानी एक्सपर्ट कंपनी मोतीलाल ओसवाल के साथ खोल सकते हैं, जिसे अब तक 22 लाख से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। यहां आपको 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के साथ में एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर दिया जाएगा जो आपको बताएगा क्या खरीदना है और क्या बेचना है, और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशंस के जरिए स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलती रहेगी। डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए और बस आप मोतीलाल ओसवाल जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ में शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अकाउंट खोलते ही आपको मिलेगा 25,000 रुपए का वेलकम बास्केट, जिसमें शामिल है AI बेस्ड टूल्स, 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए के कैशबैक के साथ में ट्रेडिंग के लिए मिलेगा फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म। आप अपने मोबाइल फोन से इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए और वहां पर अपना नाम, फोन नंबर और अपने शहर का नाम भरिए और आज ही शुरू करिए मोतीलाल ओसवाल के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट की, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, ये एक ऐसी बुरी आदत है जो ना जाने कितने सपनों को आज मार चुकी है। ये एक ऐसी आदत है, अगर आपके अंदर ये आदत पाई जाती है तो आप ये जान लीजिए आप कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते हैं। एक बात को आप समझो, ये जो वर्ड्स होते हैं कल, परसों, एक दिन बाद, ये सिनोनिम्स होते हैं नेवर के। अगर आपने कभी बोला कि कल करूंगा तो वो होता है नेवर, अगर आपने बोला परसों करूंगा तो वो होता है नेवर। जो करना है आज करो। अगर आज आपको किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करनी है अभी कॉल करो, अगर आज आपको कोई चैप्टर पढ़ना है अभी पढ़ो, अगर आपको किसी इंसान से आज जा करके बात करनी है अभी जाओ मिलने। क्या
कहने का मतलब है कि जो भी काम करना है उसे आज में करो, जब आप नाउ वाले मोड में आ जाओगे। हमेशा नाउ वाले मोड में रहो कि राइट नाउ। जिस टाइम पे आप राइट नाउ वाले मोड में आ जाओगे उसी टाइम पे आपके काम होना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप टालते रहोगे तो वो चीज़ हमेशा टलती रहेगी। इस चीज़ को आप समझो, बहुत सारे काम होते हैं वो कभी दिन आएगा ही नहीं। और एक चीज़ को आप समझो, ये जो कल होता है ना ये कभी नहीं आता है, इसलिए कल से अच्छा है राइट नाउ। कोई भी काम करना है ये राइट नाउ की आदत डालो। और एक बात को आप समझो, ये जितनी भी बुरी आदतें हैं ये हर इंसान में पाई जाती हैं, तो फिर कुछ लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? फर्क ये है कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं वो अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब है कि इन्हीं आदतों को आप रिप्लेस कर दीजिए। जितनी भी मैंने 3 हैबिट्स बताई इनको आप रिप्लेस कर दीजिए, जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी आज से। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है प्लीज़ इस वीडियो को किसी के साथ में शेयर करिए, ताकि और किसी की भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करा है प्लीज़ वहाँ पर फॉलो करिएगा। वहाँ पर मेरा जो हैंडल है वो है @mahinerji, और वहाँ पर आपको डेली ग्रोथ एंड मोटिवेशन से रिलेटेड कॉन्टेंट मिलता है। तो प्लीज़ वहाँ पर फॉलो करिएगा। और कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में बताइए। एक बार और मैं कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोतीलाल ओसवाल पे जाइए और शेयर मार्केट में अपना कदम रखिए। आज ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए, क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट करोगे तो कल बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद माही खान।